देखिए दोस्तों, मैंने दही जमाया था। दही जमा नहीं, पता नहीं, शायद दूध ज़्यादा गर्म हो गया था। ये क्या पता नहीं, ये देखिए 6 घंटे हो गए जमा नहीं है। अगर ऐसे इस तरह से आपका भी दही अगर कभी ना जमे तो आप मेरी तरह से ये काम कर सकते हैं। देखिए मैंने तवा रखा हुआ है गर्म करने के लिए। तवा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है ना। अब हम इस गर्म तवे के ऊपर ये जो दही जमाने के लिए मैंने रखा है इस बर्तन में, इसको रख देंगे। तवा बहुत अच्छे से गर्म हो गया। देखिए तवे में से धुआं निकल रहा है, देखिए धुआं निकल रहा है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे। फिर ये 5 घंटे के बाद इसमें दही जम जाएगा। ओके दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ। बीच में मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए लेट हो गया। कोशिश करती हूँ कि मैं हफ्ते में 2 वीडियो डाल दूँ, पर कभी कभी बाबू के साथ घर का काम, घर का बाहर ही सब करके मैं थक जाती हूँ। इसलिए बहुत दिनों के बाद मैंने ये वीडियो डाला है। ये अभी 2-3 दिन पहले का है। नाश्ते में मैंने डोसा बनाया, और डोसा बहुत दिक्कत होती है मुझे। देखिए ये फिर भी अच्छा बन गया। मैं अधिकतर इडली ही बनाती हूँ, डोसा और चटनी। उसके पीछे जा रही क्या? क्या हो गया, गुस्सा क्यों हो गई? अच्छा, ये मेल है, जो पीछे आप देखेंगे वो फीमेल है। आगे वाले का नाम ऋषि है। नहीं, वहाँ कहाँ ले जाते हैं? माने ले जाते हैं। अच्छा, इनका नाम भी है कुछ? इसका क्या नाम है, पीछे वाली का? ये जो पीछे जा रही है ये मंगला है। बहुत सुंदर लग रही थी दोस्तों। ये छोटा बोना गाय है, मैंने पहली बार देखा अपनी लाइफ में इतना बोना गाय। बोनी सी, सुंदर, इतनी प्यारी, गोरी सुंदर सी लग रही थी दोनों की दोनों। ये इसको रोज वॉक पे ले जाते हैं, 3 बजे 4 बजे के बीच में। ये दोस्तों, जहाँ मैं घाट पे जाती हूँ वॉक करने के बाद बैठती हूँ आधा घंटा, वहाँ पे ये छोटे छोटे पिल्ले हैं, कुत्ते हैं। ये जो देखिए, इनमें से कितनों के हेलो। बाल निकले हुए हैं। पता नहीं अजीब सी बीमारी हो रखी है। जब भी मेरे घर में लड़ाई जो भी नहीं। खाना बचता है मैं पन्नी में करके ले जाती हूँ, इनको डाल देती हूँ। बिल्कुल पतले पतले सूखे सूखे से हो रखे हैं। अब पता नहीं ये इनकी बैग में आ बीमारी रहा, किसने हो उधर रखी जा। है। मेरे ख्याल से जो मंदिर में लोग आते हैं प्रसाद चढ़ाते हैं तो वो लोग इनको मीठा दे देते हैं। कहते हैं कि कुत्ते अगर मीठा खाएं तो उनके बाल झड़ जाते हैं, स्किन की बीमारी हो जाती है। यहाँ जितने भी पिल्ले हैं सभी को हो रखा है। ये देखिए दोस्तों, रास्ते से मैं जिधर जाती हूँ 2 जगह पे बहुत अच्छे से फ्लैट बन रहे हैं। मैंने कहा चलो इनका भी वीडियो फ़ोन नंबर दे देती हूँ, अगर किसी को ज़रूरत होगी तो वो इस नंबर पे फ़ोन करके पूछ लेंगे। फ्लैट बन रहे हैं, अगर कोई हरिद्वार में लेना चाह रहा होगा। एक ये है, एक आगे और है, उसको मैं देखिएगा नेक्स्ट क्लिप में। ये देखिए ये बूढ़ी माता के पास है, ये भी बहुत अच्छा बन रहा है। ये तो फिर भी बहुत बन गया है, जो पिछले वाला क्लिप में वो भी थोड़ा सा ही बना है। ये देखिए ये सड़क भी इसकी बहुत अच्छी है। मैं किसी की वो नहीं कर रही हूँ पब्लिसिटी, बस मैं वीडियो वॉक पर जाती हूँ तो कुछ ना कुछ डाल देती हूँ, तो मैंने सोचा ये भी डाल देती हूँ वीडियो इसका भी। इसमें भी देखिएगा टेलीफोन नंबर इस सामने लिखा हुआ है, अगर कोई हरिद्वार में लेना चाहे तो इस नंबर पे बात कर सकते हैं। मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप हमारा बनाइए वीडियो वो पब्लिसिटी के लिए, नहीं, मैं ऐसे ही बना रही हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे थोड़ा सा भी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर भी करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे आपके लाइक्स का, कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है, बहुत क्रेज़ रहता है। दोस्तों अगर थोड़ा सा भी मुझे सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए इधर बहुत अच्छी कॉलोनी है, रास्ते भी चौड़े चौड़े हैं, बहुत ही मतलब अच्छी लोकेशन है ये बूढ़ी माता की बिल्कुल सामने आके। देखिए 5-6 फ्लोर तो बन गया है मेरे ख्याल से, अभी और ऊपर बनेगा। जो लेना चाहे वो देख सकते हैं, बात कर सकते हैं फोन पे। मैं आ गई हूँ इधर जहाँ से मैं गाय के लिए घास लेती हूँ। खाली है? खाली खाली
बीच बीच में इसको मैं दे देती हूँ कभी कभी ना, यहीं से लेके वहाँ रहती है ना ये, आगे रहती है तो दे देती हूँ। बेचारी कहीं चल तो पाती नहीं अच्छे से, अब तो फिर भी चल रही है, पहले तो चल ही नहीं पाती थी। नहीं ये बैठने नहीं देगा, मत चेयर मत लाओ। दोस्तों देखिए, अब मैंने पिछली बार आपको दिखाया था पिछले वीडियो में, ये 1 किलो के डब्बे में 10.5 किलो गोभी आ गया। आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियो में कि मैं हमेशा बताया था कि मैं हमेशा हर साल गोभी को गर्मियों के दिनों में खाने के लिए उसको सुखा लेती हूँ, काट लेती हूँ छोटा छोटा, फिर उसको अच्छे से 10 दिन उसको अच्छे तेज धूप में सुखा के स्टोर कर लेती हूँ। अब ये गोभी मैं गर्मियों में जून जुलाई में जब मेरा गोभी आलू की सब्जी खाने का मन करेगा, कोई सब्जी घर पे नहीं होगी तो इसकी मैं सब्जी गर्मियों के टाइम बना के खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में। इस कारण मैं गर्मियों में जब भी बनाऊंगी इसकी रेसिपी भी मैं डालूंगी, शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। आज देखिए दोस्तों, मैं धनिया का पाउडर बनाऊंगी। मेरा ये धनिया जो मैंने पहले बना के रखा था ये खत्म हो, बस 2-4 दिन का और बचा रहा है। मैं हमेशा धनिया, जीरा, गरम मसाला घर में ही इनको धो के सुखा लेती हूँ और फिर घर में ही पीसती हूँ, कभी बाजार से नहीं लाती मैं। पहले जब मैं लाल मिर्च का पाउडर खाती थी, लाल मिर्च सूखा वाला, तो मैं उसका भी घर में ही पाउडर बनाती थी। अब तो मैं हरी मिर्च खाने लग गई हूँ, तो आप लोग भी घर पे ऐसी तरह से धो के सुखा के घर पे बनाइए, कोई मिलावट नहीं है और सब्जी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है अगर आप घर का मसाला यूज करेंगे तो। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा जब से मेरी शादी हुई है मैं घर का ही मसाला यूज करती हूँ। धनिया मैंने अब ये मेरा 5-6 महीना आराम से चल जाएगा। ये दोस्तों देखिए, ये देखिए दोस्तों, मैं वॉक पे आई हूँ। ये गुरु रामराय स्कूल, ये शिवडेल स्कूल, ये भी शिवडेल जूनियर स्कूल है। इसके पेड़ों में बोर आते हैं, बोर ही कहते हैं शायद ये जो फूल आते हैं। देखिए दोस्तों, हरिद्वार में जितने भी आश्रम है ना, अधिकतर 50% गुजराती लोग ही दिखेंगे आपको। अब ये फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है। दोस्तों देखिए, ये चना फली कहते हैं शायद इसे, मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ ये सब्जी। जब मैं सब्जी ले रही थी टमाटर प्याज, तो एक लेडी ले रही थी, मैंने पूछा ये कैसे बनाते हैं, कैसा लगता है खाने में, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगता है खाने में, बताया उन्होंने कैसे कैसे बनाते हैं। तो सब्जी वाला भी कह रहा था बीन्स की तरह लगता है खाने में, मैंने भी बनाया खाया इसको, जैसे लहसुन प्याज सब डाल के, नमक हल्दी सब लेके, पर मैं इसको जैसे बीन्स की सब्जी तो बहुत टेस्टी लगती है, 10 में से 10 नंबर दूंगी, पर ये 10 में से 5-6 नंबर है, ठीक ठीक है खाने में।